IVF, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया जो उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हुई जो प्राकृतिक रूप से माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, लेकिन मनुष्य ने अपनी लालच की वजह से इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और लोगों ने अपने घर में बेटा पैदा होने की चाहत को भी IVF के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की। लेकिन हर बार क्या बेटा होता है, ये जानने के लिए बात की IVF एक्सपर्ट से, सुनी उन्होंने क्या कहा। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं तो पॉसिबल है, लेकिन इंडियन जो हम लोग का PNDT एक्ट है, जो प्री जेनेटिक डायग्नोसिस जो होती है, उसमें भारत में ये कराना अपराध है। पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल क्योंकि होता क्या है कि अगर फीमेल का एक्स क्रोमोजोम लेकर के और मेल का वाई क्रोमोजोम अगर करा जाएगा तो उससे मेल पॉसिबल है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो तैयार, उस लेवल पे कोई टेस्ट नहीं कर सकता एक्स और वाई क्योंकि बहुत छोटे सेल्स हैं वो। लेकिन हाँ, जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो एम्ब्रियो तैयार होकर के उसमें से बायोप्सी लिया जाता है या उसकी क्रोमोसोमल टेस्टिंग होती है, उस लेवल पे अपन पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि तरीका तो है, लेकिन इस तरीके का जो इस्तेमाल करेगा उसका अंतिम रास्ता सीधा जेल होगा, क्योंकि यह कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई अंतर करना एक अपराध है और किसी को भी यह नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया में आ रहा है उसे आने देना चाहिए। लोकेटिंग के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।